हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस कि आप सब ठीक है। गाइस आज की वीडियो अगेन होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल। गाइस यहाँ पे मैंने हमारे एक बॉडी वॉश मंगाया। इससे पहले भी मैंने अपने एक बॉडी वॉश शेयर किया था, मैं अभी तक उसको ही यूज़ कर रही थी, तो अभी वो खत्म हो गया है, तो आई थॉट कि दूसरा ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने हमारा mCaffeine का बॉडी वॉश मंगाया, कॉस्ट के बारे में मैंने बहुत सुना है। सो मैं बात करते हैं और बताती हूँ मैं आपको हाउ इट वर्क्स ऑन द स्किन। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। बॉडी वॉश विद बेरीज ग्रोइंग स्किन फ्रूटी कॉफी अरोमा। ये हो गया अगर इससे हमें 200 ml की क्वांटिटी मिलती है, तो जो प्राइस है ना हमारा 280 rupees है, बट ऊपर से लिया है और हमारा डिस्काउंट चलता रहता है, तो एग्जैक्ट प्राइस एक बार डाल दूंगी और मैं बाय लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस इसकी ना हमें 2 years की शेल्फ लाइफ मिलती है। गाइस स्किन पे करता क्या है, गाइस इसको पील्स करता है, ग्लोई बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। इस जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है आके, वहाँ आपने इसको नहीं रखना है। गाइस सारे इसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है, इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे इसका मेंशन है। पहला जो mCaffeine हमारा ब्रांड है ना, इसमें बड़ी सारी चीज़ें मिलती है और ये ना एक यूनिसेक्स ब्रांड है। आप फीमेल है, मेल है, आप कोई भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। गाइस में 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो है बेरीज है, कैफीन है, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है एंड वाइटामिन ई है। कॉफ़ी है हम सबको पता है स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, कैफीन भी सेम चीज़ें करता है। गाइस वाइटामिन ई है, हम सबको पता है गाइस वाइटामिन ई कितना हमें इंपॉर्टेंट होता है ना, स्किन को ब्राइटन अप करेगा, स्किन को ग्लोई बनाएगा, स्किन को मॉइस्चर भी देगा। और गाइस स्किन को अगर सन से हमारी स्किन खराब हो गई ना, टैनिंग को भी काफ़ी हद तक हमारे वाइटामिन है वो हटाता है, स्किन को डीप क्लेंस करेगा, स्किन को डी टैन भी करता है। ऑल स्किन टाइप है, आप जो भी स्किन टाइप के है ना टेंशन ना ले, बस ट्राई कर ले। और गाइस अभी समर्स है, यू नो स्किन इतनी इतने स्वेटिंग होती है, स्किन इतनी डल सी फील होती है ना, इससे आप नहाएंगे ना तो नए मजे की फ्रेशनेस वाली फील आती है ना। गाइस इनको ब्राइट अप करना या तो स्किन को गोरा बना देती है, गाइस फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा आपको स्किन को हाँ मेरे गोरा बना दिया, बट आपको ना एक बहुत फ्रेश वाली फीलिंग आती है, नहा के ना आपको मजा आएगा और ऐसे फील करेंगे ना आपको लगता है कि हाँ कुछ एक्सफोलिएट किया आपने स्किन के ऊपर, वैसी वाली फीलिंग आती है आपको इसको यूज़ करने के बाद। वीगन है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और इन्होंने एनिमल्स को टेस्ट नहीं किया, तो उसे मेन बात करते हैं कि आलिया भट्ट हमें रिकमेंड करती है इसके लिए कि आप ट्राई करें। सो गाइस अगर इसकी प्रेगनेंस की बात करें ना, तो बहुत माइल्ड सी प्रेगनेंस है इसमें, तो अगर आपको प्रेगनेंस से दिक्कत लगती है तो कुछ टाइम में हल्का सा लगेगा, बट ये चला जाता है, बट स्टिल हल्का सा लगता है ना, बहुत स्मेल इसमें है, उसमें अरोमा है ना, वो आपको हमें फ्रेशनेस वाली फीलिंग देने के लिए हेल्प करता है, इसलिए इन्होंने इसमें अरोमा दिया है। एक पंप लिया है, सी फुल ऐसा सा है, ऑरेंजिश रेड रेडिश काइंड ऑफ है इसका ही है, तो लगेगा कि यू नो कि हल्का सा कुछ हुआ है, तो बॉडी को स्क्रब करेगा जैसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल माइल्ड है, बिल्कुल जेल्स है। आप देखें गाइस फॉर मी इट्स अ वेरी गुड बॉडी वॉश, यू गाइस आप ट्राई करें, ट्रस्ट मी आपको अच्छा लगेगा। और गाइस मैं इसको 4-5 दिन से यूज़ कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी इसमें मेरी बहुत गोरी हो गई है या फिर वैसा कुछ नहीं हुआ है, बट स्टिल स्किन ना फील करने में अच्छी लगती है। सो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया है, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव योर थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।